नमस्कार बच्चों, मैं दाबी के स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। मैं 10th क्लास के लिए एक टॉपिक डाल रहा हूँ। टॉपिक हमारा सेकंड चैप्टर से है। टॉपिक इस बेस पे बनाया जा रहा है कि जो नमक होता है उससे कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं और नमक के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे जरा ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं गौरव त्यागी, देखते हैं टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 के लिए सेकंड चैप्टर से, और टॉपिक उठाया गया है साधारण नमक। तो साधारण नमक जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड कहलाता है, यानी हम कह सकते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl2, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो प्राप्त कैसे किया जाता है, इसका मेन पॉइंट ये बनता है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो जा सकता है सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है, या फिर सोडियम क्लोराइड के द्वारा कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जनरली सोडियम क्लोराइड जो होता है जल यानी कि समुद्र से प्राप्त होता है। अब समुद्र से प्राप्त करने के बाद वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसे प्योर फॉर्म में बदलने के लिए हमें विधि का प्रयोग करना होता है। विधि का नाम होता है क्लोरोसार विधि। कौन सी विधि होती है? क्लोरोसार विधि। ये जो क्लोरोसार विधि है इसके अंदर क्लोरीन मिलता है और साथ में हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम होता है क्लोरोसार विधि। तो क्लोरोसार विधि होती क्या है? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जलीय विलयन लेते हैं। तो जलीय विलयन किसका? नमक का। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है, उसमें विद्युत धारा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इसमें एथोड और एनोड लिया जाता है, उसे किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जुड़ने के बाद इसमें क्या होता है कि करंट पास किया जाता है। तो करंट पास करने पर जो सोडियम क्लोराइड है वो टूट जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के टूटने में तीन पदार्थ बनते हैं हमारे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में उत्पादित पदार्थ कौन से होते हैं? तो उत्पादित पदार्थ होते हैं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या आती है? क्लोरीन आती है। कैथोड पर क्या आती है? कैथोड पर हाइड्रोजन आती है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें से रिलीज होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एनोड को और कैथोड को जोड़ा है और साथ में मैंने इसमें बैटरी जोड़ दी है। तो आप देखोगे सोडियम क्लोराइड के विलय में बैटरी जोड़ने पर जो हमारा एनोड है, यानी एनोड है प्लस, और कैथोड जो है हमारा नेगेटिव है। तो एनोड में सोडियम क्लोराइड और इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। सोडियम क्लोराइड से जब ये पदार्थ हमारे बनते हैं तो इनका भी इस्तेमाल और पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरीन से अलग अलग पदार्थ को बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये अभिक्रिया बन गई है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारी? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलय, यानी सोडियम क्लोराइड में अगर पानी मिला दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी कि तीन पदार्थ प्राप्त हो गए। ओके, तो इसमें से पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम क्लोराइड का विखंडन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो मैंने ऊपर बताया क्लोरोसार विधि द्वारा इसका विखंडन किया जा सकता है। दूसरा कि सोडियम क्लोराइड के विखंडन में कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि इससे और कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है हमारा शुष्क भुजे हुए चूने से। तो शुष्क भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी Ca और OH का हॉल्ट वाइस, क्लियर। तो जब हम इसकी बात करते हैं भुजे हुए चूने की, और उसमें मिला देते क्या? क्लोरीन। तो क्लोरीन कहाँ से आई? तो इसलिए मैंने कहा था कि इसके प्रोडक्ट से इसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि इसके अंदर से क्लोरीन निकलते हैं, उस क्लोरीन का ही इस्तेमाल इसको बनाने में किया जाता है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, भुजे हुए चूने में क्लोरीन की क्रिया करते हैं, तो इससे हमारा क्या तैयार हो जाता है? विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्लोरीन, क्लियर। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं आपका कि जो भुजा हुआ चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आया कि इसका रासायनिक सूत्र बताओ। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया आपका? इसका रासायनिक सूत्र हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, याद रहेगा CaOCl2। इसके बाद हमारी बात आ जाती है कि इसके बनाया कैसे गया? तो इसके रासायनिक अभिक्रिया भुजा हुआ चूना प्लस क्लोरीन, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है विरंजक चूर्ण और वाटर, क्लियर। अब बात होती है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेटा इसका प्रयोग बहुत जगहों पर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, यानी कि अगर पानी में बैक्टीरिया तो उन्हें मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक उद्योगों में इसका उपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपचायक मतलब सफाई के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फैक्ट्रियों में। ओके, इसके अलावा इसे लॉन्ड्री यानी कपड़े साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज को बनाने में या उसे मज्जा करने में किया जाता है, मज्जा यानी बिल्कुल क्लीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र या लेनिन के वस्त्र का विरंजन करने के लिए, यानी रंग उड़ाने के लिए या फिर रंगीन करने के लिए, दूसरे रंग चढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरीन। एक और प्रोडक्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी हमारा किससे तैयार होता है? साधारण नमक से हमारा बेकिंग सोडा तैयार होता है। तो साधारण नमक में क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड था, उसके अंदर हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया कर देते हैं, तो इससे हमारा
क्या तैयार हो जाता है, बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक नाम क्या है इसका, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaSO3 इज अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार कैसे बन गया? ये दुर्बल क्षार है, इसका मतलब हम इसका पेट के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से एंटा एसिड भी है। ओके, यहाँ पे बात होती है जो सोडियम क्लोराइड है उसमें पानी मिला दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो क्या तैयार हो गया? अमोनिया क्लोराइड प्लस में बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडे का फॉर्मूला हो गया हमारा NaHCO3। तो अब बात होती है कि इसका इस्तेमाल होता क्या है बेटा? खाने को जल्दी पकाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडे का हम खाने में डाल देते हैं, खाना जल्दी पक जाता है। तो खाने के जल्दी पकाने के लिए जो अभिक्रिया तैयार होती है, कैसे वो बनता है वो खाना, तो खाना बनता है कि जब हम उसमें सोडियम डालते हैं, यानी कि हम बेकिंग सोडा डालते हैं, तो बेकिंग सोडे में ऊष्मा, यानी खाने को गर्म करने पर उसमें ऊष्मा जब मिल जाती है, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन उत्पाद और तैयार हो जाते हैं। तो बात होती है कि भैया हमने इसका उपयोग कहाँ करा? हमने इसका उपयोग करा खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर तैयार क्या हो गया? इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा पाउडर के रूप में भी किया जाता है, बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पर जुड़ गया कि एक प्रोडक्ट और बन गया, कौन सा? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है हम उसे बेकिंग सोडे से बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडे के अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल, जो कि एक सोडियम लवण है। क्लियर? एक अम्ल जो कि एक सोडियम लवण है। अब बात होती है इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने में, रोटी को फुलाने में, ठीक है, यानी पाव रोटी, जो भी हम मतलब कहते हैं ना चीजों को फुलाना है, तो उसमें हम इसको डाल सकते हैं। इससे खमीर बन जाता है एक तरह से। ओके, इसे मुलायम और स्पंजी हो जाती है ब्रेड। ये एक तरह से एंटी एसिड का भी काम करता है। एंटी एसिड मैंने बताया आपको, पेट के दर्द को कम करने का भी काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है अग्निशामक यंत्र। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेट के दर्द पर किसे खाया जा सकता है, तो आंसर होगा बेकिंग सोडा, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है कि अग्निशामक यंत्र में क्या डाला जाता है आग बुझाने के लिए? तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे आगे और भी पदार्थ बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद, मैं गौरव त्यागी।